Hello, my dear friends. Hope you all are doing well. My name is Isha Goel and I am 2 times UGC NET qualified in commerce. Today, I came up with a short introductory video on financial management. So, let's start. First of all, let us discuss what are the prerequisites to start a new business. First thing is idea. You should have a good idea about the business. ठीक है, आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए बिजनेस के रिगार्डिंग. सेकंड वन इज यू शुड डिसाइड व्हाट आर द एसेट्स दैट आर रिक्वायर्ड. आपको देखना पड़ेगा कि उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास क्या क्या एसेट्स होनी चाहिए. आफ्टर दैट एस्टिमेट कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग ऑफ दोस एसेट्स. उस एसेट्स को एक्वायर करने के लिए आपने क्या देखनी है, कॉस्ट एस्टिमेट करनी है. बट क्या हम इन तीनों के बारे में बात करके हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा बिजनेस यूनिट हो जाएगा स्टार्ट? नहीं. ठीक है, क्यों ये सफिशियंट नहीं है? बट दैट्स अलोन इज नॉट सफिशियंट बिकॉज ऑन द डेली बेसिस वन शुड नो द कैश रिक्वायरमेंट फॉर डे टू डे ऑपरेशन एंड वी कॉल इट एज वर्किंग कैपिटल. क्योंकि हमने अभी वर्किंग कैपिटल की बात तो की नहीं है, हमें ये तो पता ही नहीं है कि डेली बिजनेस के लिए भी हमें कुछ ना कुछ कैश देना पड़ेगा. सो नाउ हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फेयर आइडिया हो गया अबाउट स्टार्टिंग एंड रनिंग. ये तो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए हुआ, लेकिन टू रन अ बिजनेस वी नीड वर्किंग कैपिटल. सो यू शुड आइडेंटिफाई सोर्सेज फॉर फंडिंग द बिजनेस, एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल. अब हमें क्या देखना पड़ेगा, बिजनेस एसेट्स और वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं. एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है आउटसाइडर्स फंड. चाहे हम पैसा ओनर की पॉकेट से लाएं, चाहे हम बाहर से पैसा लाएं, हमारा जो मेन मोटिव क्या होना चाहिए, जो कॉस्ट है इन फंड्स की वो क्या होनी चाहिए, एज लो एज पॉसिबल. ओनली देन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विल बी मैक्सिमम. ठीक है, सो वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फाइनेंसिंग द बिजनेस. इट मीन्स अरेंजिंग फंड्स सो दैट दोज फंड्स कैन बी यूटिलाइज इन एन इफेक्टिव मैनर फॉर एसेट क्रिएशन एंड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस. तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंस से कंसर्न है. इसका मतलब क्या है, फंड्स अरेंज करना उन लोगों के लिए एक इफेक्टिव मैनर में, एसेट क्रिएट करने के लिए और वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए. एंड ऑल दीज आर डन विद एन इंटेंशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर ओनर. सो वी कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल डिसीजन, एलोकेशन डिसीजन एंड प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन. सो फाइनेंशियल डिसीजन कौन से डिसीजन होते हैं, विच अ मैनेजर टेक रिलेटेड टू फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, कि कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करें, कितना डिबेंचर्स इशू करें, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए ऑन डिबेंचर, ये सब कहाँ आ जाएंगे, फाइनेंशियल डिसीजन पे आ जाएंगे. एलोकेशन डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हमने फाइनेंस हमारे पास जो फंड आया फाइनेंशियल डिसीजन से, उसको हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है, भी कितना शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करें या और वी कैन से करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें और कितना फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करें. ऑल दीज काइंड ऑफ डिसीजंस कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. आफ्टर दैट डिविडेंड डिसीजन, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया एंड में, उसको हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और कितना एज अ रिजर्व हमें अपने पास रखना है. एंड ऑल दीज आर डिविडेंड डिसीजन. सो हम कह सकते हैं कि इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सिर्फ पैसे की ही बात कर रहे हैं. ये स्टार्ट भी पैसे से हो रहा है और एंड भी किससे हो रहा है, पैसे से ही एंड हो रहा है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सोर्सेज ऑफ फंड्स. क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड. एक कंपनी जो है वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है, अगर वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो वो बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है. हम इक्विटी शेयर कैपिटल भी इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन भी ले सकती है कंपनी. हायर परचेज एंड लीजिंग, एक बार हायर परचेज कर सकती है हम, वो क्या कह सकते हैं, रेंट वगैरह पे लेके अपने मशीन्स वगैरह को उस तरह से भी काम कर सकती है. या वेंचर कैपिटल क्या होता है, कि अगर कोई वर्दी इन्वेस्टर है, उसको लग रहा है कि ये जो न्यू बिजनेस स्टार्टअप है ये अच्छा रिटर्न दे सकता है इन फ्यूचर, तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वेंचर कैपिटल. आफ्टर दैट एंजल फाइनेंसिंग. एंजल फाइनेंसिंग क्या होता है, मान लो आपने अपना जो बिजनेस आइडिया है वो किसी को डिस्कस किया, अपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के सामने, और उसे वो आइडिया अच्छा लगा और वो एज अ एंजल आप
को पैसे देने को तैयार हो जाता है, सो हम उसको क्या बोलते हैं, उस तरह की फाइनेंसिंग को क्या बोलते हैं, एंजल फाइनेंसिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। जो इसका ये जो डिटेल सोर्सेज ऑफ फंड्स और जो भी है वो हम फर्दर की वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।